press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. सो हेलो फ्रेंड्स, और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है टेक्निकल हैरी। सो आज के यूट्यूब वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अपने बैकग्राउंड कैसे चेंज करते हैं अपने वीडियो में, क्योंकि मुझे भी अपने वीडियो में बैकग्राउंड चेंज करना बिल्कुल भी नहीं आता था। फिर मैंने धीरे धीरे उसको सीखा, फिर उसको ट्राई किया, फिर अब मुझे पूरी तरीके से बैकग्राउंड चेंज करना आ गया है। सो अब मैं उन भाइयों और बहनों को बताना चाहूँगा जो अपने वीडियो में बैकग्राउंड नहीं चेंज कर पा रहे हैं, क्योंकि आई नो कि काइन मास्टर से वीडियो बैकग्राउंड चेंज करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। क्योंकि काइन मास्टर में जैसा आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बैकग्राउंड काइन मास्टर पूरा डार्क कलर चाहता है, या जैसे आप ग्रीन कलर की दीवार है लेकिन ये वाइट कलर थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, पूरा ग्रीन नहीं है। सो इसको चेंज करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। सो मैंने काइन मास्टर से नहीं, पावर डायरेक्टर से बैकग्राउंड करना सीखा है, जो कि बहुत ही आसान है, हर कोई कर सकता है। और इससे इसकी पिछली वीडियो में मैंने ये भी बताया था कि वीडियो लेयर कैसे ऐड करते हैं काइन मास्टर में, सो उसको भी ज़रूर देखें, आपके शायद क्या पता आपके काम आ जाए। सो आप सभी से ये गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक वॉच करें और आप कुछ सीख जाइए कि बैकग्राउंड कैसे चेंज करते हैं, जो कि मैं आज आपको बताऊँगा। बहुत ही ईजी है बैकग्राउंड चेंज करना, बस आपको करना क्या है कि एक पावर डायरेक्टर ऐप प्ले स्टोर से आपको अपने एंड्रॉयड मोबाइल में इंस्टॉल करना है, फिर उसी से आप बैकग्राउंड अपना चेंज कर सकते हैं, बहुत ईजी है। सो ज़्यादा टाइम में लेते हुए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। सो फ्रेंड्स, मैंने जिस ऐप के बारे में बताया था वो पावर डायरेक्टर ऐप मैंने इंस्टॉल कर लिया। सो मैं अब उसको ओपन करता हूँ, वो अब ओपन होने वाली, जिससे यहाँ खुल रही है पावर डायरेक्टर की ऐप। अब इसमें आपको करना क्या है, आपको लेना है न्यू प्रोजेक्ट पे आपको लेना है, फिर आपकी रेशियो, जैसे आपने किस रेशियो में बनाई है। तो मैंने यहाँ 16:9 रेशियो में बनाई, तो मैं उसको ओपन करता हूँ। उसमें जाकर आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको मिलेगा एक कलर बोर्ड आपको दिख रहा होगा। सो आपको कलर बोर्ड खोलना है और आपको ग्रीन कलर लेना है, क्योंकि ग्रीन कलर लेने से फ़ायदा ये रहेगा कि आप उस वीडियो को आगे भी जाके चेंज कर सकते हैं। तो ग्रीन कलर आप ज़रूर लीजिए, ग्रीन कलर से आपको फ़ायदा रहेगा। फिर आपको करना क्या है, फिर आपको ये यहाँ पे किए दिख रहा होगा दूसरे नंबर का, उस पर आपको क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद आपको वीडियो अपनी जो आपने बनाई हो बैकग्राउंड चेंज करने के लिए वो आपको खोलना है, जैसे कि मैं खोल रहा हूँ। अब आपको इसको उसके हिसाब से बड़ा कर देना है, जैसे मैंने जितनी वीडियो की उसको उस हिसाब से बैकग्राउंड को भी आप बड़ा कर दीजिए ग्रीन कलर का। अब आपको यहाँ पे दूसरी जो वीडियो है इसको इसके हिसाब से सेट कर देना है स्क्रीन के हिसाब से। अब यहाँ पे फिर आपको यहाँ पे इस जो वीडियो अभी दूसरी वाली उस पर आपको क्लिक करना है। उस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा पेन टाइप का, उस पर आपको क्लिक करना है। उस पेन टाइप के ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर ऑप्शन दिख रहा है क्रोम की वाला, तो उस क्रोम की पे आप सेलेक्ट कीजिए। क्रोम की पे जाने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा पेन का, तो वहाँ पे उस पर आपको क्लिक करना है। फिर जहाँ पे आपको बैकग्राउंड चेंज करना है वैसे उसको आप एक बार टैप कर दीजिए, जैसे कि मैं यहाँ चेंज करना चाहूँगा, ये देख लेते हैं बैकग्राउंड चेंज हो रही है कि नहीं। तो जैसा कि हम देख सकते हैं बैकग्राउंड पूरी तरह कवर हो गया, मेरे शर्ट पर बिल्कुल भी हल्का सा नहीं आया है। सो अब इसको चला के एक बार वीडियो, सो आप देख सकते हैं कि जैसे यहाँ पे बैकग्राउंड मेरा पूरा चेंज हो गया है। बस थोड़ी बहुत इसमें ये प्रॉब्लम रहती है कि आप जो नोटिस कर रहे होंगे यहाँ पे ऊपर थोड़ा बहुत जो पार्ट हिल रहा है मेरे सर का, तो इसको आपको कोई बड़ी बात नहीं है। इसमें आपको करना है कि इस वीडियो को आपको सेव करना है, फिर जाना है काइन मास्टर पर खोलना है, काइन मास्टर पर आके खोलना है, फिर वहाँ से आप बैकग्राउंड चेंज कर लीजिए इस वीडियो को लेके। तो आपको जो भी बैकग्राउंड पीछे लगाना हो तो आप उसको आराम से लगा सकते हैं। सो यही कुछ स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं।